नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। छपरा के रिबिलगंज थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गया, जिसके बाद बीच बचाव करने गए कुछ लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। छपरा के रिबिलगंज थाना क्षेत्र के नयका बरका बेजू टोला में पैसा लेन देन को लेकर सोनू सिंह और सुग्रीव सिंह के बीच मारपीट हो गया। वही बीच बचाव करने गए अमीर सिंह और उनके पुत्र दीपक सिंह, प्रदीप सिंह, वही एक पक्ष से राजेश सिंह, दूसरे पक्ष से विशाल सिंह और उनकी मां घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन सभी को पटना रेफर कर दिया गया है। वही सोनू सिंह को चाकू लगने से मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बताइए, मारपीट क्यों हुआ था, क्या कारण था? दो आदमी के झगड़ा हो रहा था। किस लिए हो रहा था? पैसा के लिए। अच्छा, पैसा लेन देन के लिए? लेन देन के लिए। हमारा बड़ा लड़का, वो चाची लगी छोड़ाने के लिए गए, चले सोनू सिंह उसको तलवार से मार दिए और उसके गिर गया, तो हमारा मझिला लड़का गया उसको भी मार दिया तलवार से, वो भी गिर गया। तब हम धाव के आए, दूसरे के द्वार पर थे, तो हमारे लड़के के दाह से हम जाने उठाने ही गए, तो हमको भी मार दिया तलवार से, हम भी गिर गए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमीर सिंह है। अच्छा, इसमें किसी का मृत्यु भी हुआ है? एक आदमी की मृत्यु हुआ है। क्या नाम है उनका? उसके नाम हम अभी नहीं जानते हैं, हम तो हॉस्पिटल में चले आए। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।